जी हाँ दोस्तों, हम बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि जो निश्चल शेट्टी हैं वो वजीरेक्स को लेकर कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि इनका पूरा का पूरा ध्यान है इनके अपने नए स्टार्टअप के ऊपर जो शाडियम के नाम से। हालांकि शाडियम भी कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हालांकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वजीरेक्स एक एक्सचेंज है और जो शाडियम है वो अलग से एक तरीके से नेटवर्क है या फिर अपना खुद का एक ब्लॉकचेन बनाने जा रही है। सच्चाई ये भी है कि जो वजीरेक्स का खुद का मार्केट प्लेस है वो बंद कर दिया गया था और इसका एक्सचेंज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ सामने आ गई, समझ भी आ गई हम सभी को कि जो वजीरेक्स है वो बहुत बड़े रेशियो के हिसाब से बाइनेंस के द्वारा ओन्ड है। जो WRX है वो भी बाइनेंस के पास सबसे ज़्यादा है। यही कारण है कि वजीरेक्स खुल के काम नहीं कर पा रहा। लेकिन निश्चल शेट्टी जी क्या कहते हैं शाडियम के बारे में और वजीरेक्स के बारे में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हमारा जो माइंडसेट है वजीरेक्स को लेकर और WRX कॉइन के फ्यूचर को लेकर वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो वीडियो पूरा देखते रहना, क्योंकि थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरी पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि निश्चल शेट्टी का अभी इस वक्त फोकस किस चीज़ के ऊपर है और ऐसा भी वो क्या लेकर आने वाले मार्केट में या फिर ला चुके हैं जिससे पूरी पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री जो इंडिया की है वो भी चेंज हो सकती है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले पहुंचे और आप टाइमली एक्शन लेकर अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर पाएं। क्योंकि मैं ऐसे रेगुलर वीडियोस लाता रहता हूँ शिवा एनू को लेकर, वजीरेक्स को लेकर, टॉप ट्रेंडिंग कॉइंस को लेकर, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं हम शाडियम से, जो एक स्टार्टअप है फरवरी 2022 में शुरू किया गया निश्चल शेट्टी के द्वारा, यानी कि एक 1.5 साल पहले ये शुरू किया गया था। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बनाया गया इनके द्वारा इथेरियम का, एक ऐसा ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाया गया जिसके ऊपर फीस बहुत कम रहती है और डिसेंट्रलाइजेशन रहती है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन गलती यहाँ पे ये होगी कि ये उसी वक्त स्टार्टअप शुरू किया गया था जब ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट क्रैश होना शुरू हुई थी, यानी कि लगातार एक बहुत बड़ा क्रैश आया जिसकी वजह से ये स्टार्टअप कोई बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाया। हालांकि अभी भी कंटिन्यूसली ये चल रहा है। और उस वक्त क्या है कि इंडिया में भी एक सबसे बड़ी चेंज ये आई थी कि TDS शुरू हो गया था और इसके साथ साथ टैक्सेस शुरू हो गए थे और जो रेगुलेशंस थी, पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, वो बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट थी क्रिप्टो को लेकर, और आज भी वैसे के वैसा सेम ही चल रहा है। यही कारण है कि जो निश्चल शेट्टी हैं वो मूव हो चुके थे 2022 में ही दुबई में, ताकि वो अपना जो शाडियम का डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से सही ढंग से कर पाएं, और इसी के साथ उन्होंने अपना जो NFT बिजनेस है वो पूरा का पूरा बंद कर दिया। अब यहाँ पे कुछ सवाल जो आप किए गए हैं निश्चल शेट्टी जी से, तो देखते हैं कि उनका क्या क्या जवाब है और किस तरफ अभी क्रिप्टो मार्केट मोड ले रही है। क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ शाडियम या वजीरेक्स की नहीं होगी, बल्कि इसी के साथ साथ ओवरऑल जो इंडिया की क्रिप्टो मार्केट है उसको लेकर भी होने वाली है। तो जो शाडियम के बारे में पूछा गया कि शाडियम क्यों डेवलप किया जा रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने बताई है जो शायद हम सभी नहीं जानते थे कि जितनी भी ब्लॉकचेन्स होती हैं वो होती तो बहुत अच्छी हैं लेकिन उनमें स्केलेबिलिटी नहीं होती, उनकी कई सारी अपर लिमिट्स होती हैं, यानी कि एक लिमिटेशन की वजह से वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती, सर्वाइव नहीं कर पाती जब बुल मार्केट आती है। जैसे कि इथेरियम की अगर हम बात करें तो फीस लगातार बढ़ती रहती है, उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, $100 पर ट्रांजैक्शन तक फीस भी चली जाती है, और यही कारण है कि लोगों को वहाँ पर इतनी ज़्यादा फीस देकर भी अपनी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना ही पड़ता है। अगर हम कुछ नई ब्लॉकचेन्स की बात करें तो वो भी मार्केट में उतरी हैं लेकिन उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। ज़्यादा ट्रांजैक्शंस तो प्रोसेस करी जा सकती है उनके ऊपर, जो कि इथेरियम से ज़्यादा ही रहेंगे, कैपेसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं होती, वहाँ पर जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ कभी नहीं हो सकती। और जैसे कि अगर हम इथेरियम की बात करें तो वहाँ 15 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होती हैं, बाकी कुछ और नई चेन्स की बात करें तो 300 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होती हैं। लेकिन शाडियम कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जिसके ऊपर जो फीस है वो हमेशा कम ही रहने वाली है और कांस्टेंट रहने वाली है, और इसके ऊपर जो कैपेसिटी है वो हमेशा एक्सपेंड करी जा सकती है, यानी कि इसको बढ़ाया जा सकता है, और जब भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो इससे क्या है कि और ज़्यादा नॉड्स होंगे, जितनी ज़्यादा नॉड्स बढ़ेंगे, सर्वर्स बढ़ेंगे, इससे क्या है कि कभी भी जो फीस है वो ज़्यादा नहीं होगी और ट्रांजैक्शंस हमेशा उतनी ही स्पीड से ट्रांजैक्ट प्रोसेस होने वाली हैं। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है शाडियम के बारे में जो शायद हम सभी को नहीं पता था। आज शायद लगेगा कि ये एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ बताई गई है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब शाडियम को यूज़ किया जाएगा तब पता चलेगा कि पूरा वर्ल्ड या तो शाडियम के ऊपर ही ट्रांजैक्ट कर रहा है या फिर शाडियम को कॉपी करके और भी कई नए ब्लॉकचेन्स आ चुके हैं जिनके ऊपर ट्रांजैक्शंस अच्छे तरीके से हो पा रही हैं। तो ये जो ब्लॉकचेन बनाई गई है ये एक ओमर नाम के कोफाउंडर हैं जो कि US से हैं। तो 2017 में इन्होंने डिस्कस किया था, 2019 में दोबारा मिलकर इन्होंने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर फाइनल डिसीजन ले लिया कि हम अपना खुद का एक ब्लॉकचेन बनाते हैं जिसके ऊपर ट्रांजैक्शंस इस तरीके से रहेंगी।
और अभी मेननेट आना बाकी है, यानी कि जैसे ही मेननेट आ जाएगा उसके बाद रियल ट्रांजेक्शन होना शुरू हो जाएंगी रियल मनी की। और आपको शायद याद होगा कि टेस्टनेट फेज में मैंने आपको कई बार ऐसी वीडियोज दी हैं जिसमें मैं आपको टेस्टनेट के शार्डियम के कुछ कॉइन्स मिले होंगे टेस्टनेट यूज़ करने के लिए या फिर इसको टेस्ट करने के लिए। तो ये रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ अवेलेबल रहते हैं, आप अभी भी जाकर चेक करोगे तो शायद अवेलेबल होंगे, आप भी इसके ऊपर ट्रांजैक्ट कर पाओगे। लेकिन मेननेट लॉन्च होते ही आप सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रियल मनी के भी शार्डियम के ऊपर कर पाओगे। अब यहाँ पे हमने शार्डियम की बात कर ली, 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं वज़ीरेक्स की तरफ कि वज़ीरेक्स का भी फाइनल क्या होने वाला है, क्योंकि वज़ीरेक्स का बहुत ही ज़्यादा डर है, वज़ीरेक्स का एक बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा कि ये एकदम से या तो बहुत अच्छा भी चल सकता है अगर बाइनेंस के द्वारा सपोर्ट रहता है, या फिर अगर बाइनेंस जैसे इसको छोड़ता जा रहा है और अपने एसेट्स जो है WRX अपने पास रख रहा है, वॉलेट्स अपने पास रख रहा है, उनकी सिक्योरिटी अपने पास रख रहा है, उस हिसाब से वज़ीरेक्स बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। तो पिछले लगभग 12 महीनों से हम देख पा रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट वैसे ही बहुत बुरी चल रही है, FTX जैसे जो एक्सचेंज है वो सर्वाइव नहीं कर पाए। और सबसे बुरी चीज़ जो हमारे इंडियंस के लिए वो ये कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए गए, कोई भी चाहता ही नहीं है कि वो ट्रांजैक्ट करे खासकर इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर, जिसकी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, शायद 1% भी नहीं रहे हैं। तो अभी वज़ीरेक्स ने सर्वाइव करने के लिए क्या किया है कि उन्होंने अपना जो टीम साइज़ है वो रिड्यूस किया है, ये हमने पहले भी पिछले साल न्यूज़ ये पढ़ी थी, आपको भी बताया था कि इन्होंने अपनी टीम को क्या है ले ऑफ कर दिया है। इसी के साथ जो कॉस्ट है वो कम किए गए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। लेकिन इनका जो मकसद है इस वक्त वो यही है कि कुछ नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाए जाएं, यही कारण है कि आपको शायद फीस भी ज़्यादा पे करनी पड़ रही होगी जो कि आप वज़ीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर पे कर रहे होंगे। अब यहाँ पे 2-3 तरह की फ़ीस है, एक तो ये कि आप ट्रेड करते हो उसके ऊपर फ़ीस ज़्यादा है, एक ये कि अगर आप विड्रॉ करते हो तब भी फ़ीस ज़्यादा है, TDS तो चलो लगेगा क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का है, और इसी के साथ साथ अगर आप क्रिप्टो करेंसी को INR में विड्रॉ करते हो उसके ऊपर भी फ़ीस लगेगी, और अगर आप वज़ीरेक्स से बाइनेंस के ऊपर या बाइनेंस वज़ीरेक्स के ऊपर ट्रांजैक्ट करते हो तो उसके ऊपर भी फ़ीस बढ़ा दी गई है। यानी कि एनी हाउ रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो ही रहे, इसी के साथ साथ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या किया जाता है कि प्रीमियम बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर BTC का प्राइस है $30,000 तो आपको 30,000 की बजाय ये मिलेगा करीब $30,300, $30,400, $500 इस तरीके से प्राइस मिलेगा इंडियन एक्सचेंज के ऊपर, इसी चीज़ को बोलते हैं प्रीमियम, जो कि डिफरेंस बनता है, तो ये डिफरेंस बढ़ा दिया जाता है जिससे जो एक्सचेंज है वो भी थोड़ा अर्न करती है। तो यहाँ क्लियरली वज़ीरेक्स के जो इनिशियल सेटिंग उन्होंने बनाया कि वो रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर खास ध्यान दे रहे हैं इस वक्त, रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वज़ीरेक्स सर्वाइव कर पाए। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ ये भी क्लियरली बोली है कि सारी मार्केट्स में ही ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, इंडियन बड़े ब्रांड्स की बात कर लें, बड़ी कंपनीज जो भी चाहे बिग फोर की बात करो, तो वहाँ पे भी ले ऑफ किए गए हैं एम्प्लॉयज़। तो ये सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री में ही नहीं हुआ है, बल्कि कोई भी इंडस्ट्री की बात कर लें तो हर एक इंडस्ट्री में ऐसा हुआ ही हुआ है। अब अगर हम बात करें कि वज़ीरेक्स कैसे अपने बिजनेसेस को डाइवर्सीफाई करने वाला है, डाइवर्सीफाई मतलब वज़ीरेक्स के और इकोसिस्टम में क्या क्या और चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि जैसे कि पहले NFT मार्केट प्लेस बंद करी गई थी, तो उसके हिसाब से इनका जवाब क्या है आइए जानते हैं। तो निश्चल शेट्टी ने कहा कि हमारे इंडिया में ही बहुत बड़ा क्रिप्टो का यूज़र बेस है, तो सिर्फ इंडिया की बात करें तो यहाँ से भी 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग आने वाले 3-5 साल के अंदर क्रिप्टो के साथ जुड़ने वाले हैं। तो यही कारण है कि अभी ये वज़ीरेक्स से ध्यान नहीं हटाने वाले, क्योंकि वैसे अगर हम बात करें Web3 क्रिप्टो स्पेस की तो इसमें कई सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन अभी जो वज़ीरेक्स का ध्यान है वो सिर्फ एक्सचेंज के ऊपर ही रहेगा। अब इसी के साथ NFT मार्केट प्लेस जब बंद हुई थी तो बहुत बड़ा लॉस क्रिप्टो इंडस्ट्री को हुआ था इंडिया में, क्योंकि NFT मार्केट प्लेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इंडिया में, और इसी के साथ जो इतना बड़ा ब्रांड है वज़ीरेक्स, उन्होंने अगर अपनी मार्केट प्लेस बंद करी तो इसका भी एक उल्टा असर ही पड़ा कि एक्सचेंज ने अपना इतना बड़ा जो इकोसिस्टम, इनके इकोसिस्टम का इतना बड़ा जो हिस्सा था वो बंद कर दिया। अब इससे क्या कि बहुत सारे जो NFT क्रिएटर से, NFT इन्वेस्टर से, उन्होंने कहा कि उनका लॉस हुआ है, हालांकि इस मार्केट के ऊपर किसी भी चीज़ की कस्टडी नहीं ली गई थी, यानी कि वज़ीरेक्स के पास कोई भी NFT नहीं था, कोई भी एसेट या कोई भी क्रिप्टो का इनके पास कस्टडी नहीं थी, लोग आपस में ही बाय या सेल कर रहे थे। तो यहाँ अच्छी न्यूज़ ये आई है कि NFT मार्केट प्लेस जो है वो जल्द ही वापस आएगी, इन्होंने खुद क्लियर किया है कि अगर मार्केट ग्रो होती है और अगर यहाँ पे साइज़ बढ़ता है और NFTs की जो रिक्वायरमेंट है, जो NFTs की मार्केट है इंडिया में बढ़ती है, तो ये अपनी मार्केट प्लेस फॉर श्योर लेकर आएंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ जिस वजह से ये सारे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स नीचे गए हैं वो यही है कि क्रिप्टो रेगुलेशन जो इंडिया के वो सबसे बदतर हैं, यानी कि पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात कर लें सबसे बुरी जो क्रिप्टो रेगुलेशन है वो इंडिया की हैं, जिसकी वजह से ना तो हम ट्रेड कर पा रहे हैं, ना ही हम होल्ड कर पा रहे हैं, ना ही प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं। अगर हमने डिपॉजिट करते हैं तो विड्रॉ नहीं होगा, अगर हमने
विड्रॉ करने की कोशिश करी तो बहुत ज़्यादा फीस लगेगी, केवाईसी कर लिया तो फिर भी केवाईसी दोबारा करना पड़ेगा, केवाईसी करने के लिए उसके ऊपर फीस देनी पड़ेगी, तो कई सारे झंझट ऐसे हुए हैं। तो निश्चल शेट्टी जी का कहना है कि हमने वैसे तो प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा कर लिया, 2017 के बाद की बात करें तो आज तक हमने काफ़ी सारा प्रोग्रेस कर दिया है, और अगर TDS को 1% से 0.01% लाया जाता है तो फॉर श्योर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी वापस आएगा। और इनका कहना यह कि आने वाले कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे कि जब अच्छे रेगुलेशंस आएंगे और हम सही ढंग से ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, अपनी सही ढंग से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो ये वीडियो लंबा तो हो गया, लेकिन एटलीस्ट हमें थोड़ा पता चला कि जो इतना बड़ा जायंट एक्सचेंज था वज़ीरेक्स के नाम से, उनके जो फाउंडर निश्चल शेट्टी, उनका क्या कहना है, क्या मानना है, और आज उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया वज़ीरेक्स को लेकर कि आगे आगे चलकर क्या क्या हो सकता है। तो आपका क्या मानना है, अपनी राय भी नीचे कमेंट ज़रूर करना, अपनी सजेशंस ओपिनियंस नीचे कमेंट करना और वज़ीरेक्स को लेकर, WRX को लेकर। तो आज की वीडियो में WRX को कवर नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको WRX के बारे में डिटेल्स देने वाला हूँ। इसी के साथ साथ अभी वज़ीरेक्स ने इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज को लेकर ट्रेनिंग दी है, जिसकी वजह से अभी लीगैलिटी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है क्रिप्टो को लेकर। तो वीडियो ये प्लीज़ लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी वज़ीरेक्स यूज़र है, WRX होल्डर है, तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप तक पहुँचेगा, ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो ये वीडियो लाइक एंड शेयर के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस भी हमेशा इसी तरीके से पहुंचते रहें। स्टे ट्यून, थैंक यू।